जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियां तो सेफ है ही नहीं। गजब हाँ, प्रदर्शन कर रहे छात्रों को टीचर ने कहा पढ़ाई छोड़कर शादी कर दो। ये तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की है, जहां गुरु जी के छात्रों को पढ़ाई छोड़कर शादी करने की सलाह दे रहे हैं। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लगा होगा, क्योंकि जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन है, उसी प्रदेश में कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो बेटियों को पढ़ाई न करने की सलाह दे रहे हैं कि आप हमें बाहर मिलो, हम तुम्हें बाहर देखेंगे। अब आप लोगों क्या डिसीजन है? अब हमारा ये डिसीजन है कि अब हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई कल तक तो हम अपना रिजाइन करा लेंगे। वो पीटीआई के सर हैं और उसने लड़की को ये बोला है कि आपको पता है कि वो लड़की कहाँ जा चुकी है, एक को पता है आपको कहाँ भेजी है मैंने, और जरा आप मुझे बाहर मिलिए। लड़कियों को धमकी देता है सर, आम पल के सामने खुद ये बोला जा रहा है कि बेटे जब आप लोगों की हैसियत नहीं है तो शादी करा लीजिए ना। गवर्नमेंट तो ये नारा लगा रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है वो नारा गवर्नमेंट का? दरअसल छात्राओं का आरोप है कि जब वो बीएससी गृह विज्ञान की फीस बढ़ाई जाने से नाराज होकर कॉलेज में प्रदर्शन कर रही थी, तभी अध्यापक ने उन्हें शादी करने का सुझाव दे दिया। इस पर छात्राओं ने नाराजगी जताई, एक शिक्षक पर धमकी देने का आरोप भी लगाया। संदीप मोतला जो हमारे पीटीआई कोच हैं कॉलेज के, उन्होंने हमें साफ साफ धमकी दी कि तुम कॉलेज के बाहर मिलना, और इसलिए बोला उन्होंने ऐसा कि उनकी हमने शिकायत करी वहाँ पे कि उन्होंने लड़की भगा रखी है कॉलेज में से। छात्राओं का कहना था कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है, लेकिन कॉलेज की ओर से उन्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। कॉलेज के एक शिक्षक पर धमकी देने का आरोप भी लगाया है। शिक्षक पर छात्रों ने आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की। वहीं इस पूरे मामले में प्रधानाचार्य ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया, कहा कि छात्राओं को गलत फहमी हुई है। टीम न्यूज़ 18।